कैसे हैं आप? रश्मि कॉर्नर रश्मि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्लॉक प्रिंटिंग घर पर ही बिना किसी ब्लॉक के बनाना और करना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें सबसे पहले एक पोटैटो की ज़रूरत होगी, एक नाइफ़, एक फैब्रिक कलर, एक कोई भी वाइट कॉटन क्लोथ या कोई दुपट्टा, पिलो कवर, प्लेन कुछ भी, और एक न्यूज़पेपर, और एक ऐसा ट्रे, और एक ब्रश और वाटर। इतनी ही चीज़ों से मैं आज आपको वाटर कलर ब्लॉक प्रिंटिंग बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले आप न्यूज़पेपर नीचे रख लें और फिर कपड़े को ऐसे क्लोथ को फोल्ड कर लें ताकि नीचे किसी भी तरह की दाग ना हो। और फिर पोटैटो लेंगे, उसे बीच से कट करेंगे और जिस शेप में हमें बनाना है वो शेप हम पोटैटो के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, अब इसे नाइफ से ऐसे जो एक्स्ट्रा है वो कट करके निकाल लेंगे। देखिए ये हमारा ब्लॉक रेडी हो गया है ट्रायंगल शेप का। अब हम इस तरह से ट्रे में कलर निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इस ट्रायंगल पे हम कलर लगाएंगे। जोर से ब्रश करेंगे। देखिए जब आपको लगे कि आपका कलर कम हो गया, और कहीं कम या ज़्यादा हो जाए तो आप घबराए नहीं, आप बाद में इसे ब्रश की सहायता से इसे शेप दे सकते हैं। देखिए इस तरह से कपड़े पर हमारा डिज़ाइन बनते जाएगा। देखिए कपड़े पर हमारा ट्रायंगल शेप बनते जा रहा है। हम आराम से घर में ही किसी भी पुराने क्लोथ को इस तरह से प्रिंट करके यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा
कितनी आसानी से, अगर आपको ड्राइंग नहीं भी आती या पेंटिंग नहीं भी आती और आपकी इच्छा है कि आप अपने घर में कोई कुशन कवर, कोई पिलो कवर या कोई ओल्ड दुपट्टा को कुछ डिज़ाइन देकर इस तरह के कुछ शेप्स बनाएं। देखिए कितना खूबसूरत हमारा पैटर्न बन गया है। अगर कहीं थोड़ा ख़राब अप डाउन हो गया है तो आप ब्रश से इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।